हे हाय, कैसे हैं आप सब? बहुत मज़े में होंगे आई होप। और आज की जो रेसिपी है ना, तो आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रगड़ा। अब आप सोचेंगे 10 मिनट में पानी पूरी खानी है तो बाहर ठेले वाले भैया से भी खा ही सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे। 10 मिनट में आप बाहर जाके पानी पूरी तो खा सकते हैं, लेकिन अगर 10 मिनट में घर पे बनी हुई पानी पूरी मिले, यानी कि इसका रगड़ा बन के रेडी मिले, तो कैसा रहेगा? है ना अमेजिंग रेसिपी? तो इस रेसिपी में आपको ना ही कोई भिगोने करने की झंझट करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये रगड़ा बन के रेडी होगा। 11वें मिनट में पानी पूरी आपके मुंह में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये अमेजिंग रेसिपी कैसे बनती है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है वो आप सबको पता ही है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगी, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बाकी सारी चीजें आप ला के रखेंगे तो 10 मिनट में रगड़ा बनाने की गारंटी तो मेरी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, फ्रेश मटर लिए हैं। तो ये रगड़ा कोई भी जो सूखे मटर आते हैं उनसे नहीं बनेगा, यानी कि ये बहुत ही फास्ट बनेगा। तो 1 कप हम मटर ले रहे हैं, उसके साथ हम लेंगे 1 बड़ी साइज़ का आलू। और अब हम इसमें लेंगे पानी। तो पानी कितना लेना है? पानी हम लेंगे 1 कप, जितने मटर उतना ही पानी। नमक लेंगे थोड़ा सा। और पानी हमने 1 कप इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे पानी से अलग नहीं करने वाले हैं, बाद में इस पानी को हम यूज़ करने वाले। अब सिंपली क्या करना है, 3 विसल लेनी है मीडियम फ्लेम पे, और जब तक कि कुकर की सीटी बजती है हम फटाफट से एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप के कप जितना पुदीना, उसके साथ 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची ली है, और 1/2 कप मैं ले रही हूँ यहाँ पर हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके लिया है। और धनिया लेते समय ध्यान रखना है कि वो डंठल के साथ लें। अब यहाँ पर 10 से 15 हम लेंगे लहसुन की कलियाँ, और 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। अब जब आप नींबू का रस इसमें ऐड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो भी पत्तेदार सब्जियाँ होती है या फिर जो भी आप पीसते हैं, तो उसका कलर काला नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ग्रीन चटनी बनाएं उसमें खटाई के तौर पर नींबू या कुछ और ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कुकर हमारा ठंडा हुआ है या नहीं। तो 3 विसल हो चुकी है और कुकर नेचुरली इसकी सारी जो प्रेशर है इसका निकल चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं मटर बॉईल हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं मटर का दाना इजीली टूट रहा है, लेकिन बिल्कुल गला नहीं है। तो हमें मटर को बिल्कुल गलाना नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि मीडियम फ्लेम पे हमें 3 विसल लेनी है। यहाँ पर आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब क्या करना है, जो पाव भाजी का जो मैशर होता है उससे हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू के साथ साथ हमें थोड़े बहुत मटर भी मैश करने हैं, जिससे कि मटर के अंदर जो ग्रेनीनेस होता है वो अच्छे से रिलीज होगा और हमारा जो रगड़ा बनेगा फाइनली उसको बहुत प्यारी सी थिकनेस मिलेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ दाने भी इसमें रखे। अब फटाफट से एक पैन लेंगे, पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल गर्म होगा वैसे ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितना जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए हम इसमें करी पत्ता डालेंगे 5 से 6, और बिल्कुल ही ऑप्शनल है करी पत्ता, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर हल्दी मैंने डाली है तेल में ही, इससे इसका कलर जो है बहुत ही ब्राइट ग्रीन आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया है, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है वही पेस्ट जो हमने अभी बनाई है, मिर्ची पुदीना और हरे धनिए लहसुन के साथ। तो अब इस पेस्ट को हमें हल्का सा कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो जो धनिया की फ्रेशनेस होगी वो इसमें से चली जाएगी, उसका जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। हमें इसे इसलिए कुक करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इतनी सारी लहसुन ली है, और उसे हल्का सा सौते कर लेंगे तो इसकी फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज होगी। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सौते करने के बाद हम डाल देंगे सारा रगड़ा, उसके साथ जो मिक्सर ग्राइंडर जार था उसे भी रिंस करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो रगड़ा है ना, जैसे जैसे बॉईल होगा वैसे वैसे ये पानी को अब्जॉर्ब करेगा और वैसे वैसे ये थिक होते जाएगा। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी को कितना रखना है वो आप पे बिल्कुल ही डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल हमें इसे एक बॉईल आने तक कुक करना है, यानी कि इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है अभी, ये देखिए। तो इसका कलर कितना ब्राइट आया है। हम यहाँ पर लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनफ मात्रा में हरी मिर्ची का इस्तेमाल इसमें कर लिया है, तो तीखापन तो उससे आ ही गया है। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करते हैं। जब ये बॉईल हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर, उसके साथ हम लेंगे चाट मसाला लगभग 1 टीस्पून जितना। अगर आपके चाट मसाला आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है काला नमक, वो आप स्वाद अनुसार ले लीजिए। बाकी जो रेगुलर नमक है वो हमने इसे बॉईल करते समय इसमें ऐड कर ही दिया था, तो वो ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से रगड़ा बॉईल हो रहा है और फाइनली मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और हरे धनिए से इसे आप गार्निश कर लीजिए। तो जैसे जैसे रगड़ा ठंडा होगा उसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक होती जाएगी, तो इसीलिए आप इस स्टेज पर अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसे सीधा सर्व कर लेते हैं। प्लेटिंग इज़ माय फेवरेट पार्ट, और क्योंकि इसे करने के बाद और कुछ बचता नहीं है करने के लिए, सीधा आप टूट पड़ सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग कलर आया है और इसे मैंने थोड़ा सा गार्निश किया है लाल मिर्ची पाउडर से। इसमें मसाले बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा तीखा, बस इतना काफ़ी होता है। तो अब यहाँ पर सीधा मसाले को यानी कि रगड़े को पानी पूरी में भर लीजिए और अब मैं यहाँ पर इसे टेस्ट करने वाली हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और आपको अगर इसे टेस्ट करना है तो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, फटाफट से ये रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझे लिख के ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।